देख रहे हैं स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। अपने उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। पहली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। आपको बता दें गाजियाबाद में नगर पालिका की गाड़ी को ग्रामीणों ने रोक दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के गांव निठौरा के जंगल में अवैध रूप से खेतों में कूड़ा डाला जा रहा था। कूड़ा डाल रही गाड़ी को ग्रामीणों ने खेत में ही रोक लिया। वहीं लोनी नगर पालिका की 10 गाड़ियां एक साथ ही खेत में रोक ली गई। शकलपुरा गांव के एक व्यक्ति ने खेत में कूड़ा डाल रही गाड़ियों को रोका। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध रूप से खेत में कूड़ा डाला जा रहा है। मौके पर ग्रामीणों की काफी भीड़ मौजूद रही। साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं मौके पर पुलिस मौजूद है। चाह रहा किसान किस तरह यहाँ से भाग जाए और इसके बारे में सोचा जाए। जो वन विंडो का डायरेक्टर है महेश गोयल, वो आदमी उसने एक मरवा दिया गया है और बहुत ही उस पर उतर रहा है, उतार उतर रहा है। किसानों को जेल भेज रहा है, उनकी चक्रोड़ बंद कर रखी है। किसान परेशान हो रहे हैं, हर तरह से बर्बाद करने पर तला हुआ। अब लोनी नगर पालिका की जो गाड़ी आई है इसकी, तो आप इसका कैसे विरोध कर रहे हैं? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, या तो खत्ता बढ़ जाएगा, तुम्हारी ना फसल होगी ना कुछ होगी। हमारे खेत हैं उसमें खत्ता गिरने आ रहे हैं, खत्ता गिर रहे हैं। कौन है लोग? ये नगर पालिका से कुछ चौहान है और पटवारी डलवा रहे हैं इसे। कौन सी नगर पालिका से? ये लोनी नगर पालिका से। तो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आई हैं? 8 ये हैं, 3-4 रोड पे खड़ी है। तो आपने इसका विरोध किया है? हम इसको उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से खबर है। सिद्धार्थनगर के इटवा ब्लॉक के सकतपुर ग्राम पंचायत सहदैया की नजर आ रही है। स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर शौचालय के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्राम पंचायत की महिलाएं आज भी शौच के लिए सड़कों पर जाने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि ठेकेदारों के माध्यम से शौचालय बनवाया गया था। शौचालय आधा अधूरा बने होने की वजह से महिलाओं शौच के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, जिससे ग्राम प्रधान और सचिव के कारनामों की पोल खुल गई। वहीं इस मामले में विभागीय अधिकारी मौन है। कहीं शौचालय पर छप्पर तो कहीं बिना छत के ही शौचालय। पैसा ना मिला, अपने बनवाए छप्पर प्रधान, अपने बनवाए छत वत नहीं लगा, सीटों नहीं लगा। कब के बना लो? अरे एक करोड़ बना है, पैसा मिला लगा छप्पर प्रधान बनवाए, छतों नहीं लगा। तो शौचालय में जाए लायक है? पीलीभीत में फांसी के फंदे से झूलती मिली महिला। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर है, जहां की विवाहिता दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गए। पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर की चौकी गुंडचाय के विवाहिता बंद कमरे झूम मामले की जानकारी पर आसपास चलने पर घटना स्थल पर पहुंचे, जिन्होंने मामले की सूचना पुलिस को देकर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतार कर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि बीते 2.5 साल पहले ही महिला की शादी हुई थी। वहीं मायके पक्ष ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, साथ ही मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। आस पड़ोस के लोगों के अनुसार आए दिन पति पत्नी में विवाद होता रहता था। पति शराब का आदी था और इसके लिए विरोध पर आए दिन बवाल के बाद पत्नी के साथ मारपीट होती रहती। सारी कलह के चलते उसकी पत्नी ने 2.5 साल पहले जिसकी शादी हुई थी उसने फांसी के फंदे में लटक कर अपनी जान दे दी। वहीं मायके पक्ष वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। नरसिंहपुर में रेत उत्खनन को लेकर मचा घमासान। खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है। नरसिंहपुर जिले में रेत उत्खनन को लेकर बीते 4 दिनों से घमासान मचा हुआ है। उत्खनन को लेकर मुर्गाखेड़ा रेत खदान में एक नर्मदा परिक्रमावासी से बातचीत की गई। परिक्रमावासी अशोक कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो तकरीबन 4.5 माह पूर्व से नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। अशोक ने माँ नर्मदा को बचाने की गुहार लगाई है। मीडिया के माध्यम से अशोक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहा कि आपको एक बार जनता धोखा दे चुकी है, अगर अभी भी ऐसे हालात रहे तो स्थिति और खराब हो जाएगी।
वहीं रोते रोते परिक्रमावासी ने कहा कि केवल मध्य प्रदेश में भारी उत्खनन हो रहा है और मध्य प्रदेश का कोई भी घाट अवैध उत्खनन से बचा नहीं है। जहां एक और अवैध उत्खनन लगातार चल रहा है, वहीं नर्मदा नदी के किनारे अवैध अतिक्रमण के कारण चलना भी दूभर है। लोगों ने खेती करने के लिए अवैध अतिक्रमण कर रखा है और अपनी फसलें लगा रखी हैं, जिससे नर्मदा तट पर चलने के लिए भी जगह नहीं है। अब धारा तक रोक दिए हैं लोग, पानी का प्रवाह नहीं हो पा रहा है आगे। तो क्या बड़ी बड़ी मशीन है, पोकलैंड और पोकलैंड मशीन है, जेसीबी है, डंपर है, ट्रैक्टर है, क्या नहीं है, कौन सी मशीन नहीं है इन लोगों के पास। नाव वगैरह भी नाव से वो लगा के पाइप लगा के कहाँ का कितनी दूर दूर तक बालू का वो कर रहे हैं रेत का है। कब से है परिक्रमा पर आप? परिक्रमा बाबू तो मैं तो हूँ, आज दशहरा से उठाया हूँ। कितने महीने हो गए? पौने चार महीने हो गए। रीवा में निर्माणाधीन बिल्डिंग में श्रमिक की हुई मौत। मध्य प्रदेश के रीवा से खबर है। मध्य प्रदेश के रीवा में बीती 18 फरवरी को सिरमौर चौराहा स्थित निर्माणाधीन समदरिया बिल्डिंग में एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी आज मौत हो गई है। बिना किसी सुरक्षा कवच के काम कर रहे श्रमिक की मौत होने के बाद जब परिजनों ने कंपनसेशन की मांग की तो मामले को टालने के लिए समदरिया बिल्डर ने 8 लाख रुपए देने की बात कही, लेकिन अब वह 1 लाख रुपए देने की और न्यायालय का फैसला आने के बाद पैसे देने की बात कह रहा है। 10 घंटे मृतक के परिजन अस्पताल में इंतजार करते रहे, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं बैठक से भी मृतक के परिजनों को बाहर कर दिया गया। साथ ही मृतक के बड़े भाई ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी मौत तो 2 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन अभी तक मामले को दबा कर रखा गया था। घटना तो ये समदरिया मॉल जो मेडिकल महल बन रहा हसी मॉल चौराहे पे, वहाँ ये सरिया का काम करता था। हम थे गांव में, यहाँ के लोग ने सूचना दी कि आपके भाई के ऊपर सरिया का राड घुस गया सर में। हम वहाँ से आए, जैसे वहाँ से आए तो हमें यहाँ दिखे हॉस्पिटल में, उसको भर्ती देखे, बेहोशी हालत में पाए। अब बेहोशी हालत में पाते पाते आज तक हम उसको देख नहीं पाए कि जीवित है क्या है, वो आँखी मुंदी तो मुंदी। इसी वेंटिलेटर में रखा गया था। हाँ, वेंटिलेटर में रखा गया था, लेकिन ऐसा हमको शंका हुआ कि 2 रोज जो है एक्स्ट्रा भी रखा गया था। एक्स्ट्रा भी किस दबाव में कौन दबाव दिया ये हमें नहीं मालूम। समदरिया कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो मृत्यु हुई थी रमेश जी की, उनकी पत्नी को अभी तुरंत 1 लाख रुपया और 7 लाख रुपया का चेक इन ने दिया है। चेक कब भेजने के लिए दिया है? ये आज के दिनांक का ही दे दिया है इनने। जी, क्या न्यायालय कोर्ट के बाद, लेबर कोर्ट के बाद नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, ये संवेदना के रूप में इनको दिया गया है। 8 लाख रुपए दिए गए। जी, अभी इतनी देर तक समय क्यों लग रहा? बात नहीं हो पा रही थी प्रबंधन से और प्रबंधन आनाकानी कर रहे थे। परिजन बड़े सहानुभूतिपूर्वक, इनके कार्यालय भी गया था और यहाँ पे उनके पूरे परिजन बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक उनका निर्णय हो गया। फिलहाल आज तो उसका पीएम हुआ है और परिजनों में आक्रोश था, उसको शांत करा के मैनेजमेंट से जो भी इनकी बात हुई है उस पर समझौता हुआ है। रहा पुलिस केस तो वो अलग मैटर है, मर्ग में जांच चल रही है, मर्ग पंजीबद्ध हुआ है, मर्ग में जांच करेंगे, जिन तथ्यों का समावेश उसमें होगा। पीलीभीत में कैच द रेन अभियान का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर है। पीलीभीत में राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा युवा केंद्र के तहत जिले में कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत युवाओं ने गांव-गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया। युवाओं ने वर्षा और प्राकृतिक जल की हर एक बूंद का बेहतर इस्तेमाल, संग्रहण और नवाचार जैसे पहलुओं को धरातलीय स्तर पर आत्मसात करने को लेकर लोगों को जागरूक किया। युवाओं ने बताया कि जल संरक्षण न सिर्फ वर्तमान की जरूरत है बल्कि भविष्य की दरकार भी है। इसके साथ ही गांव के लोगों को शपथ भी दिलाई जा रही है। इस टाइम जो हमारे देश में मतलब जल की जो कमी होती जा रही लगातार, तो उसी को लेकर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है कैच द रेन, जो कि नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलकर लगातार गांव में प्रचार कर रहा है। तो उसी को नज़र में लेके मतलब इस समय हमारे विकासखंड बीसलपुर में लगातार नाटकों नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है कि और हम लोग गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम गांव को एक संदेश दे रहे हैं गांव वालों को कि हमारे जो बारिश के द्वारा छतों पर पानी गिरता है उसको अनयूज ना करके उसको यूज में लें और उसको स्टोर करके जो हम बाइक या कपड़े वगैरह धुलते हैं उनको
उस पानी के द्वारा धुलने की कोशिश करें और जिससे कि हमारा जो वाटर लेवल है वो ऊपर ही रहे और जो नालियों के द्वारा पानी वर्षा का बाहर जा रहा है वो हमें किसी ना किसी रूप में मतलब घर में ही उपयोग। यूपीएससी में 49वीं रैंक हासिल करने वाली भारती धामा का जोरदार स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर है, यूपीएससी की परीक्षा में 39वीं रैंक पास कर समाज का गौरव बढ़ा देने वाली भारती धामा का जोरदार स्वागत किया ग्रामीणों ने। बागपत के निवाली गांव की मूल निवासी भारती धामा का स्वागत टीला कोठी आर्य समाज मंदिर पर किया गया। यहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवा मौजूद रहे। यहां से काफिले के साथ जावली गांव पहुंचे जहां पर हजारों की संख्या में भारती धामा का स्वागत करने के लिए महिला और पुरुष मौजूद रहे। भारती धामा ने कहा कि उनका सपना आईएएस अधिकारी बनना है और जिसके लिए वह लगातार प्रयास कर रही हैं। वही कार्यक्रम में सम्मान के लिए उन्होंने सभी का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि आज समाज के लोगों ने उनका सम्मान किया है और वह युवाओं को कहना चाहती हैं कि जीवन का जो भी सपना है वह अवश्य पूरा होता है, उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। जिन्होंने मेरा इतना सम्मान किया है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और अब इतने सभी भाई बहनों और परिवारजनों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो यूपीएससी की जो परीक्षा पास किया, कितना संघर्ष किया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? जी प्रेरणा तो सबसे पहले मेरे पिता से ही मिली है, लेकिन उस टाइम जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे यहाँ की डीएम थी वो महिला थी, तो उनसे भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली थी और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी डीएम के पद तक पहुँच पाऊँ और उसके लिए मेहनत करूँ। युवाओं के लिए क्या संदेश आने वाली पीढ़ी के लिए? जी मेरा यही संदेश है कि आप लोग मेहनत। गुना में दाखिल खारिज के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश की गोंडा से खबर है, गोंडा में दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत लेते हुए लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण में रिश्वत लेते हुए लेखपाल का वीडियो वायरल होने के बाद लेखपाल को निलंबित भी कर दिया गया था। दाखिल खारिज के नाम पर तहसील कार्यालय करनालगंज में भ्रष्टाचार के खेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वर्षों से तैनात रजिस्ट्रार कानून को भ्रष्टाचार के मामले में काफी चर्चित रह चुके हैं। वहीं उक्त राजस्व कर्मचारी का घूसखोरी का वीडियो वायरल होते ही पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। वीडियो में अमल दरामद के नाम पर रजिस्ट्रार कानून को ग्रीशचंद सोनकर द्वारा रिश्वत ली जा रही है। गाजियाबाद में एक महिला ने नहर में छलांग लगा ली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर है, गाजियाबाद में बेरोजगारी से तंग आकर एक महिला ने नहर में छलांग लगा ली। महिला को बड़ी मुश्किल से गोताखोरों ने बचाया। बता दें कि महिला ने यह कदम पारिवारिक विवाद और बेरोजगारी के चलते उठाया। पुलिस ने समझा बुझाकर महिला को शांत किया, साथ ही पुलिस ने परिजनों को भी हिदायत दी। पुलिस वालों को बुलाओ। आश्वासन देने के बाद महिला को परिजनों की सुपुर्दगी में दिया गया। वहीं मसूरी की गंगनहर में महिला ने छलांग लगाई। तेज पुल पर से इन्हें छलांग लगाई। हम मैं एहसान चाचा, मैं सोनू और दीपक, हम भगे। हमने इसको लेडीज को लिगाड़ी। हमने इससे पूछा भाई कहाँ की रहने वाली है, कौन है, क्या नाम है तेरा। इसने कोई जवाब नहीं दिया हमें। अच्छा, लगभग कितनी उम्र है इसकी? उम्र होगी साहब 30-35 साल। आप लोग कौन हो? हम मुसलमान है, गोताखोर है, मुरादनगर गंगनहर के। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तेज पुल पर से इन्हें छलांग लगाई। हम मैं एहसान चाचा। मैनपुरी में ट्रक ड्राइवर ने की आत्महत्या। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से खबर है, मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के इटावा बेवर मार्ग पर स्थित जटपुरा बाजार के पास होटल के पास सड़क किनारे एक पेड़ पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली ट्रक ड्राइवर ने। ट्रक चालक लखीमपुर खीरी से ट्रक में चीनी लाद कर ग्वालियर जा रहा था। अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें ट्रक चालक मध्य प्रदेश के जिला भिंड का बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रतापगढ़ में दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से खबर है, प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली के स्थानीय कस्बे में दो पक्षों में हुए विवाद में महिलाओं ने विकराल रूप धारण कर लिया। जमीनी विवाद में दो पक्षों के पुरुषों और महिलाओं में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें लाठी डंडे भी चल गए। इस घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।
गांव के दबंग सुनील समेत 5 लोगों ने पड़ोसी संतोष और उनकी पत्नी शिव कुमारी को जमकर पीटा। घटना 4 फरवरी की बताई जा रही है। मारपीट की घटना के पखवारे भर बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने गंभीर धाराओं में 5 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जालौन में मनमाने ढंग से बिजली बिल वसूला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जालौन से खबर है। जनपद जालौन के नगर कालपी में लोगों को विद्युत विभाग द्वारा बिना रीडिंग लिए मनमाने ढंग से बिजली बिल थमाए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने शिकायत दर्ज कर जांच की मांग की है। ऐसा ही एक मामला नगर कालपी के मोहल्ला नई बस्ती अली मार्केट के पास का आया है, जहां लोगों के बिल मनमाने ढंग से आ रहे हैं। विद्युत विभाग के इस रवैये से लोग बुरी तरह त्रस्त हो चुके हैं। पीड़ित उपभोक्ता विद्युत विभाग के अधिकारियों के पास अपनी शिकायत को लेकर जाते भी हैं, तो उनको सिर्फ आश्वासन का प्रसाद देकर भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। ऐसे में गुस्साए लोगों ने आला अधिकारियों से शिकायत दर्ज की है। 27 रुपए था, हम पूरा जमा करने गए थे तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं निकलेगा, 3000 रुपए जमा कर दो, अगले महीने में पूरा आएगा। किसने कहा आपसे? वो जमा करते हैं। 27 रुपए था, हम पूरा जमा करने। फिरोजाबाद में 2 युवकों ने एक बुजुर्ग की पिटाई की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। फिरोजाबाद में 2 युवकों ने एक बुजुर्ग की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। बजबिहारी का किसी मामले में अपनी पुत्रवधु से विवाद चल रहा था। थाना रसूलपुर क्षेत्र के बरगदपुर निवासी ब्रजबिहारी 22 तारीख को अपने SGM नामक स्कूल पहुंचे, तभी अचानक उनके पुत्र वधु के 2 भाई वहां आ गए और 62 वर्षीय ब्रजबिहारी पर डंडों से हमला कर दिया और उनको मारपीट कर घायल भी कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। यह पूरी घटना स्कूल पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित के छोटे बेटे संजीव ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ब्रजबिहारी नामक बुजुर्ग को फैजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये राधा की भैया आए तो है। राधा कौन है आपकी? राधा ये हमारा लड़का है। तो क्या करा उनने फिर? लड़का की वो उनने क्या किया, उनने भी पहले तो रास्ते में छेड़छाड़ करने लगे, फिर भी स्कूल पे आए गए। स्कूल में भी डंडा निकाल के लाए, तमंचो खा भैया। पीलीभीत में एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर आ रही है। पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र के बीसलपुर बरेली हाईवे पर पड़ने वाले टिकरी गांव में एक तेज रफ्तार बजरी से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक के गांव के नीचे नजदीक से पलटा था। वहीं उसी गांव का एक बच्चा जो पिछले 12 घंटों से गायब चल रहा था, घर वालों ने इधर उधर देखा, बच्चा नहीं मिला तो गाँव वालों को एहसास हुआ कि शायद बच्चा पलटे हुए ट्रक में दबा हुआ है। उन्होंने वहां जाकर देर रात ट्रक क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई, साथ ही साथ जिले के कप्तान जयप्रकाश भी मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में पुलिस ने किसी तरह बजरी से ट्रक को खाली करवाया, फिर ट्रक को हटवाया, उसके नीचे बच्चे का शव निकला जिसको उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही वहां पर भारी भरकम फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वहीं बच्चे की मौत पर गाँव वाले जहाँ एक और गुस्सा है, वहीं गाँव में मातम का माहौल भी बना हुआ है। गाजियाबाद पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद से धोनी पुलिस ने व्यापारी से 40 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक तमंचा बरामद हुआ है। 3 फरवरी को लोनी निवासी व्यापारी से फोन कर 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसकी शिकायत व्यापारी ने पुलिस से की थी। पुलिस ने आरोपी द्वारा जिस नंबर से व्यापारी को फोन किया था, उस नंबर को सर्विलांस पर लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। करने वाला जो हमने गिरोह भी पकड़ा इसी क्रम में, इसी प्रयास में, और 3 अभियुक्तगण को पहले ही गिरफ्तार करके हम जेल भेज चुके थे। अब रंगदारी मांग कौन रहा था, इस पर हमने अपने प्रयास तेज किए और हमने आज सफलता पाई। रंगदारी मांगने वाले अभियुक्तगण पवन व खुर्शीद को हमने गिरफ्तार किया है हमारी टीम ने, और गिरफ्तार कर हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। सर, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है?
अभी आपराधिक इतिहास नहीं पता लगा है, हम थानों से और थानों के संपर्क में हैं, दिल्ली के भी संपर्क में हैं, आपराधिक इतिहास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, संभवतः में आपराधिक इतिहास। अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना है, फिलहाल देखते रहिए।